हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कुछ एग्जांपल्स, फैक्टराइजेशन के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कुछ एग्जांपल्स, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा उसका थ्योरी देखा था। अगर आप ये अचानक से ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कुछ भी समझ में आने का चांसेस कम है। अगर आप पिछले वीडियो को देख लेंगे तो पूरा थ्योरी क्लियर हो जाएगा आप, और इस वीडियो को आप समझ पाएंगे इजीली। इसलिए आप इससे पहले का अगर लेक्चर नंबर 6 आप नहीं देखे हैं, फैक्टराइजेशन पार्ट 6 आप नहीं देखे हैं, तो आप जाके देख लें। उसमें कुछ दो एग्जांपल्स भी करवाया था मैंने, उसी से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स हैं। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे और अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है फैक्टराइजेशन का, तो आप उस वीडियो को जरा देख लें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं हम। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था क्या कि दो तरीके से क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होंगे। एक होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब क्या, जिसमें एक्स के साथ कोई कांस्टेंट होंगे, और दूसरा होगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होगा। तो मैंने ये दो 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 टाइप का प्रॉब्लम बताया था, दो टाइप का होगा ये, क्या होगा, दो टाइप का क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दो टाइप का होगा। उसमें हम लोग अभी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का पढ़ रहे हैं। तो यहां पे देख लें, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 21। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि 21 का फैक्टराइजेशन करिए, 21 का फैक्टराइजेशन करिए। मेरे पास है क्या, माइनस 21, तो 21 का फैक्टराइजेशन करिए, कितना हो जाएगा, कितना टाइम में लगा ले, तो 3 टाइम में 7, उसके बाद 7 टाइम में तो 1, राइट। अब यहां पे देख ले, मेरे पास माइनस 21 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 21 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू 3 इंटू 7, राइट। अब यहां पे लाना कितना है, हमको लाना है माइनस 4। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है, इसको ऐसा सेटअप करना है कि कितना आ जाए, माइनस 4 आ जाए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 7 और प्लस 3 कितना आ रहा है, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4, माइनस 7 प्लस 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 7 थ्री जा 21 माइनस आगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस 21, मतलब माइनस 7 प्लस 3 के फॉर्मेट में बैठ रहा है। तो यहां पे इसको स्प्लिट कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x प्लस 21, कॉमन क्या हो रहा है इन दोनों में, तो x कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन हो रहा है, तो माइनस 7। अब दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x माइनस 7 और x प्लस 3, ये इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, यानी कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 30। तो सबसे पहले 30 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 टाइम, कितना हो जाएगा, 15, फिर से 2 टाइम, नहीं लग रहा है 2 टाइम, तो हम लोगों को क्या करना होगा, 3 टाइम लगाना होगा, 3 कितना हो जाएगा, 5। अब 3 टाइम नहीं लग रहा, तो अब कितना टाइम,
फाइव टाइम लगा लें वन, तो फाइनली मेरे पास 30 बराबर क्या आ रहा है, 30 इक्वल टू आ रहा है कितना, 2 × 3 × 5 × 1 इतना मिल रहा है। अभी हमको क्या लाना है, इसको ऐसा सेटअप करना है इन सारे को मल्टीप्लायर ऐड करके कि कितना आ जाए, 11 आ जाए, क्योंकि इसमें माइनस साइन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई और ऐड यूज करेंगे, ठीक है, और लाना कितना 11। तो अब यहाँ पे देख लें कैसे आएगा, 5 × 3 = 15, पहले क्या कर रहे हैं, 5 × 3 − 2 × 1 आ रहा है क्या, नहीं, 5 × 3 = 15 में से 2 गया, 13 आ रहा है, नहीं आया, और क्या कर लें, इन दोनों को एक साथ रखें और इन दोनों को एक साथ रखें, तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 + 5 × 1 कितना हो रहा है, 11, तो 11 लाना था आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली 3 × 2 = 6 + 5 × 1 = 5 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11, ये हमारा ऐसा कुछ बैठेगा। तो जरा देख ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर अब यहां पे कितना हो जाएगा, 6x + 5x + 11, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन करिए, x + 5 कॉमन करें x + 6, अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x + 6 कॉमन आ रहा है और x + 5 बचा, तो ये इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला हमारा क्वेश्चन है x² + 18x + 32, तो यहां पे देख ले 32 का हमको फैक्टराइजेशन करना होगा, तो सबसे पहले 2 × 16, फिर से 2 × 8, फिर से 2 × 4, फिर से 2 × 2, फिर से 2 × 1, तो फाइनली 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 कितना, 2 × 2 = 5 × 6 हो गया। अब यहां पे देख ले लाना कितना, हमको लाना है 18 लाना है, तो अब यहां पे क्या कर लें, 18 कैसे आएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 8 + 4 ऐसा कुछ आ रहा है, यहां पे हो गया 4 और 8, ये 12 आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है। अगला देखें, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 4 × 2 = 8 × 16 और कितना, 5 × 2 = 2 तो 1 × 2 बच रहा है, जिसको क्या कर ले हम प्लस में रख लें और 2 × क्या कर लें, 1 कर लें, 2 × 1 कर ले, यहां पे 2 × 1 कर लें, तो कितना हो जाएगा यहां पे 2, अब इन दोनों को ऐड करिएगा तो 18 आ रहा है, तो ये सही है, मतलब क्या 16x + 2x यूज करना हम लोग को, तो यहां पे हो जाएगा x² + 16x + 2x + 32। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, x + 16 + 2 कॉमन हो रहा है x + 16,
अब क्या x प्लस 16 कॉमन हो रहा है, x प्लस 2 बच रहा है, ये हमारा इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आए एक बार तो आप दोबारा वीडियो को देखिए ताकि इजिली समझ में आ जाए। आप दो बार तीन बार लगातार वीडियो को देखिए क्योंकि ये एक बार में हो सके नहीं समझ में आए, तो आप कंटिन्यू दो बार देखे वीडियो, तीन बार देखे वीडियो, उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें आपके अपने बुक के। देखिए अगला क्वेश्चन है 108 है, इसका फैक्टराइजेशन करना है हमको। तो सबसे पहले 108 का फैक्टराइजेशन कर लें, टू टाइम कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, फिर टू टाइम 2 2 जा 4, 7 2 जा, फिर 3 टाइम 9 3 जा, फिर 3 टाइम 3, फिर 3 टाइम 1, राइट, 2 टाइम 54, 2 टाइम 27, 3 टाइम 9, 3 टाइम 3, 3 टाइम 1, ये हो गया। अब यहाँ पे 108 को क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 1, ये ऐसा कुछ। अब हमको कितना लाना है, माइनस का 21। यहां ध्यान से देखिएगा, माइनस 21 लाना है हम लोग। माइनस 21 आएगा कैसे, क्या करें, तो यहां पे देखें 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहां पे है 9 3 जा 27, तो यहां पे 27 ले आए, और 2 2 जा 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब देखिए 3 3 जा 6, 6 2 जा 18, तो यहां पे अगला अगला यूज करें 2 into, ये इससे तो नहीं आ रहा है, 2 into 3, और दूसरे साइड रख ले 3 into 3 into 2, तो 3 3 जा 6 2 जा 18 और 3 2 जा 6 कितना आ रहा है, 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 यहां पे आ रहा है और यहां पे 6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें, अगला क्या है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 प्लस 9, देखिए अगला अगला ये इस कंडीशन में भी नहीं बैठ रहा है। अगला कंडीशन देखें 2 into 2, और इधर आ रहा है 3 into 3 into, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 3 जा 27, ये तो यूज कर चुके हम लोग। अगला देखें 3 3 2 जा भी यूज कर लिए हम लोग, अगला बचा कौन, और कौन सा फॉर्मेट बच रहा है, तो और कौन सा फॉर्मेट बच रहा है इसमें देखें हम लोग, 3 को 2 टाइम्स यूज कर लिया। अब इधर 2 into 2 into 3 कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 3 जा 12, और इधर कर ले 3 into 3, इधर आ रहा है 9। अब देखें यहां पे 27 में ऐसा क्या करें, 27 और 4 में ऐसा क्या करें कि 21 आ जाए, नहीं आ रहा है। 18 और 6 में ऐसा क्या करें कि -21 आ जाए, नहीं आ रहा है। अब यहां पे 12 9 में ऐसा क्या करें, तो 12 9 जाए तो 108 हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, दोनों साइड अगर -12 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -21 आ जाएगा। अब इसमें क्या करें, इन दोनों को एडअप कर दीजिए, तो -12 -9 कितना हो जाएगा, -21, तो यहां पे लिखा आएगा एक्स स्क्वायर -12x -9x+108, राइट। अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, x कॉमन करिएगा तो x -12। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे माइनस होना चाहिए, यहां पे क्या है माइनस, तो यहां पे भी नीचे क्या आना चाहिए, माइनस, तो कॉमन करिए आप -9 को, तो माइनस कॉमन करने पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा,
एक्स माइनस ट्वेल्व। अब यहाँ पे x माइनस ट्वेल्व क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो बचा क्या x माइनस नाइन। ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। आपको कुछ नहीं चेक करना है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके एड सब्ट्रैक्ट करके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हमारे लास्ट टाइम में क्या आ रहा था, 100 सॉरी माइनस का 21, ये लास्ट वाले में आ रहा है और सब में नहीं आ रहा। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को नहीं यूज करेंगे, जिस कॉम्बिनेशन में दोनों को एड सब्ट्रैक्ट करके मिडिल वाला टर्म आएगा उसी कॉम्बिनेशन का यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है बाई स्क्वायर माइनस फोर बाई प्लस थ्री। तो यहां पे करना क्या होगा, प्लस थ्री है मेरे पास, तो इसका तो सिंपल फैक्टराइजेशन होगा क्या, प्लस थ्री इंटू वन। तो अब क्या करें, जरा ध्यान से देखें, थ्री और वन दो ही चीज है, तो यहां पे माइनस थ्री और माइनस वन दोनों को एक साथ लिखिए क्या आ जाएगा, माइनस फोर आ रहा है क्या, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस थ्री इंटू माइनस वन थ्री आ रहा है। तो यही मेरा इसका सेटअप हो जाएगा, बाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई माइनस एक माइनस बाई माइनस थ्री बाई माइनस बाई माइनस फोर बाई और प्लस थ्री। अब इसमें कॉमन क्या होगा, बाई कॉमन करिए तो बाई माइनस थ्री और माइनस वन कॉमन करेंगे तो साइन क्या कर देगा, अंदर का चेंज कर देगा। अब यहां पे बाई माइनस थ्री दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, तो बाई माइनस थ्री को कॉमन करिए, बचा क्या बाई माइनस वन। ये हमारा आज का क्वेश्चन था। अगला देखें आपका होमवर्क क्या है, ये फाइव क्वेश्चन आपका होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। और ज्यादा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज ज्यादा क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो तो आप एक्सरसाइज 2G FG एक्सरसाइज 2G आरएस अग्रवाल से, आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2G सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 1 to 13 इसको सॉल्व करें। सेम प्रॉब्लम मिलेगा, इसी टाइप का क्वेश्चंस मिलेंगे, 13 क्वेश्चन है और सेम कुछ कुछ क्वेश्चन उसी से लिया गया है। ये होमवर्क आप एक्सरसाइज 2G सॉल्व करें या ना करें, ये फाइव प्रॉब्लम्स खुद से जरूर सॉल्व करें। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें क्या प्रोसेस है, उसके बाद इसको फिर से सॉल्व करें, ठीक है। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्स, अगला वीडियो में देखेंगे अगले दूसरा टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का जो क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।